नमस्कार, मैं डॉक्टर रिपन सरकार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज से माइंड रूब्रिक करते हैं। ये रूब्रिक है कि इजरर का अर्थ क्या होती है। इजरर का अर्थ होती है सुधकर, मतलब इससे सही तरह से समझा जाए तो यही बात होगा जो देना कम पाना ज्यादा। तो इसको हम लोगों ने कैसे यूज कर सकते हैं क्लिनिक पर। सुधकर का मतलब है देना कम पाना ज्यादा। तो इसको हम लोगों ने मरीजों के लिए, पेशेंट के लिए कैसे, कौन स्टेट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ये देखते हैं। एक महिला, एक माझी माझी बोलती है, बेटा आपका पिताजी बहुत अच्छा डॉक्टर थी, तुम तब छोटा था, तुम्हारी पिताजी तब माझी करके पुकारता था मुझे। जब मुझे कुछ होता था तब तुम्हारा पिताजी दवाई देता था। तुम्हारा पिताजी इतना अच्छा दवाई देता था, तुमको क्या बताओ, फटाफट ठीक हो जाता था, पैसा भी लेता नहीं था, थोड़ी लेता था। तो हम आज सुना है कि तुम रामलाल डॉक्टर के बेटा हो, यह क्लिनिक खुला हो, सुन के आया जो तुम्हारा पिताजी तो बहुत अच्छी थी डॉक्टर, मुझसे रुपया भी नहीं लेता था, थोड़ी सी लेता था। तुम भी उस तरह का ही हो ना। तो इसलिए मैं चला आया, बेटा तुम ही तो मेरा बेटा की तरह हो, तुम्हारा पिताजी की तरह मुझे अच्छी दवाई देना, अपनी माँ समझकर। मैं तो तुम्हें पैसा दे नहीं पाऊंगे, लेकिन तुम हमारा इलाज चालू रखना, मुझे अच्छी दवाई देना। देखिए यह इजरर कहाँ लग गया, ये देना रुपया नहीं देगा लेकिन ट्रीटमेंट चालू रखेगा और अच्छी दवाई मांग रहा है। ये देना नहीं चाहता, छोटी सी मीठी बातों से मुझसे ये दवाई लेने लिए आया, मेरा पिताजी नाम। तो पालसिटीरा दिया था इस महिला को, पालसिटीरा देने के बाद ठीक हो गया था। तो पालसिटीरा कैसे, किस तरह से बात करता है ये जो महिला, ये माझी आया, काही सारे ये माझी के तरह काही सारे रुगी मरीज प्यार भरी बातों से बहुत ज्यादा स्नेह पैसा या सेवा प्राप्त करता है। देना कम पर पाना ज्यादा। तो उस तरह जो बात किया, मेरा पिताजी को नाम उठा के उसको जो फायदा के बात किया, वो है इमोशनल ब्लैकमेल। ये दो रूब्रिक पकड़ के मैंने उसको पाल चटीला दिया था। और एक केस इसमें जुड़ती हूँ, एसआईएल का केस है। एक बच्चा को लेकर उसको माँ आया, आने के बाद वो माँ ने बोल रहा है कि डॉक्टर साहब, ये बच्चे के बारे में मैं क्या बताऊं, ये हर वक्त कुछ ना कुछ लेकर मुझे ब्लैकमेल ही करती है।
मैंने पूछा कैसे? ओ बच्चा का माँ बोल रहा है, हम परिवार वालों ने इसको इतना ज्यादा प्यार देते हैं, इतना दुलार दुलार करते हैं, यह इतना प्यार से रखते हैं, तब तो भी ये भूखा है प्यार का, ये प्यार का बिना नहीं रहता। और बोलता है कि उल्टे बोलता है, माँ तुम भाई को ज्यादा प्यार करते हो, मुझे तो प्यार ही नहीं करता है। ये भी एक इमोशनल ब्लैकमेल, ठीक है। तो वो बच्चा को मैंने पाल चटिला दिया था, तब भी वो ठीक हो गया था। इस रूपलिक में, इजरायल में और दोनों मेडिसिन है, एक है लाइकोपोडियम और एक है सल्फर। तो एक लड़का को इस रूब्रिक के अंडर में, ये रूब्रिक को पकड़ के मैंने लाइकोपोडियम दे दिया। एक लड़का आया था मेरा क्लिनिक में, आके बोलने लगा, डॉक्टर मुझे अच्छा दवाई देना, ये मेहनत की कमाई है, थोड़ी लेकिन मुझसे ज्यादा तुम दवा दो, लेकिन फायदेमंद होना चाहिए, मेरा शरीर पर पावर आना चाहिए, ताकत आना चाहिए, मुझे बलवान बना दीजिए। मुझे बलवान बना दीजिए। और पैसा जितना ही हो उससे मतलब नहीं, मुझे फायदेमंद होना चाहिए। इसको भी मैं इजरल डिक्टेटोरियल पावर लाप ऑफ, इसको पकड़ के मैंने लाइकोपोडियम दिया था, उससे ठीक हो गया था। देना कम पाना ज्यादा, यही है बात इजरायल के, मतलब रुपया कम देगा किंतु फायदा ज्यादा लेगा, पियास के रूप में सुखकर जैसा। और एक पेशेंट को बात करती हूँ, यह है साल पर। साल भर में क्या होता है, इजरायल में है, तो मैंने कैसे पकड़ा इस रूब्रिक को, एक आदमी आया, आने के बाद बोल रहा है, डॉक्टर साहब कई सारा लोग होम्योपैथी को गलत समझता है, लेकिन मुझे जो नॉलेज है, मुझे जो होम्योपैथी के बारे में जानकारी है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, ये होम्योपैथी की एक साइंस है जो जहर से मिटा सकती है रोगों को। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तब भी देखा, मेरा नॉलेज, मेरा बुद्धि इतना गलत नहीं हो सकता। मैं बुद्धि रखती हूँ, मेरा ज्ञान प्राप्त किया। तो होम्योपैथी में बारे में जो लोग बुरा सोचती है वो गलत सोचती है। आप बहुत अच्छा पैथी पकड़ा, लोगों को सही इलाज कर सकती है इस एपैथी से। तो आप अच्छा जाना, आप अच्छा दवाई दीजिए ताकि मैं ठीक हो सकूं, हर लोगों को दिखा सकूं। देखो, और मैं जो ज्ञान हासिल किया होम्योपैथी के बारे में वो ठीक हो जाए। तो साल भर में ये नॉलेज की बात करती है, बहुत सारी बुक पढ़ लेते हैं,
लाइट डीजल में रहती है, क्यूरियस में रहती है और बहुत सारी रूब्रिक्स इसको साथ ऐड कर सकती है। ये जो मैंने साथ नॉलेज की बात किया होम्योपैथी के बारे में, मुझे इनसाइटिंग किया उसको फायदा के लिए, ये इसमें से और इसरल प्रयाखा मिली। वो साथ में यही बोल रहा था, डॉक्टर साहब मुझे तो जानकारी है, मुझे लेबोरेटरी में किया था होम्योपैथी और उस दवाई खरीद करने के लिए कितना रुपया लगता है, इस मुझसे ज्यादा मत लीजिए, थोड़ी लीजिए, बार्गेनिंग में भी है। तो मैंने इसको साल पर दिया था। तो ये तीनों केस में इजराइल कहाँ कहाँ मैंने दिया, थोड़ी सी आप लोगों को मेरे ख्याल से उपकार हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल। और एक बात, अभी तक जो जिस लोगों ने, जिस डॉक्टरों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।